सरकार तो तराह तराह कर ही रही है। सुप्रीम कोर्ट और माने न्यायालय भी इस मामले में अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रही है। और दूसरी बात कि भाजपा जो मेजर हम लोगों का सहयोगी हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के सरकार चलाई जा रही है, उन लोगों का मुखिया भी कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो मिल बैठ कर के इसको आपस में तय करना चाहिए और इसको पुनर्विचार करना चाहिए। फिर हमने ये कहा कि जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनः समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। इसलिए नीतीश कुमार को हम लोगों ने सजेशन किया है, दिया है, और मिल करके ही बात करना चाह रहे थे। हम दो बार समय उनसे मांगा लेकिन नहीं मुलाकात हुई। और ये भी कहना चाहते हैं कि साहब आप कानून बनाए हैं, अच्छी कानून है, शराबबंदी होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है इसको ज़रूर समझना चाहिए। और इससे पुलिस का जो व्यवहार है संदेहात्मक है, वो लोग इसमें पैसा ले करके बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को नाम गिनाने के लिए कि मामला हमने तय किया है, दर्ज कर देते हैं। और जिससे कि हमारे गरीब चर्चा हो रही थी, आपका कोई कल बयान आया है, जैसे बिहार शरीफ में विषैली शराब सेवन के चलते हत्या मृत्यु हो गई है, कुछ लोग 5 बतलाते हैं, कुछ लोग 8 बतलाते हैं, कुछ लोग घायल भी हैं। इसी प्रश्न पर हमसे बातचीत हुई तो हमने कहा कि ये बिहार शरीफ की घटना कोई नई घटना नहीं है, गोपालगंज में भी घटना घटी है, समस्तीपुर में भी घटी है, मधुबनी में भी घटी है, आए दिन ये घटनाएँ घटती रहती है। और इसका मतलब साफ है कि जो शराब नीति अभी हमारी सरकार की है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं खामी है, जिसके चलते ये सब बातें हो रही है। तो इस चीज़ को, शराबबंदी का जो यह कानून है, उसमें बहुत पहले भी हमने कहा था कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है कि ये तो गरीब लोग पी करके मरते हैं, और केस मुकदमा भी होता है तो गरीबों पर ही केस मुकदमा हो जाता है, और वही लोग आज प्रायः चाहे तो कार्रवाई में हैं या नहीं तो जेल में हैं। और जेल में सुप्रीम कोर्ट का मामला भी है, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी मामला है, जो लोग बिहार सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है कि इतना केसेस है शराब से संबंधित कि सारे जजेज उच्च न्यायालय के उसी में लगे हुए हैं। और दूसरा केस होता है, अगर जमानत का भी केस होता है तो उसकी पारी साल भर में आती है, ये तो उचित नहीं है। और फिर 40 केस में बिहार सरकार ने अपील किया था, वो अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्पष्ट है कि जनता तो तराह तराह कर ही रही है। सुप्रीम कोर्ट और माने न्यायालय भी इस मामले में अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रही है। और दूसरी बात कि भाजपा जो मेजर हम लोगों का सहयोगी हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के सरकार चलाई जा रही है, उन लोगों का मुखिया भी कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो मिल बैठ कर के इसको आपस में तय करना चाहिए और इसको पुनर्विचार करना चाहिए। फिर हमने ये कहा कि जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनः समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। इसलिए नीतीश कुमार को हम लोगों ने सजेशन किया है, दिया है, और मिल करके ही बात करना चाह रहे थे। हम दो बार समय उनसे मांगा लेकिन नहीं मुलाकात हुई। और ये भी कहना चाहते हैं कि साहब आप कानून बनाए हैं, अच्छी कानून है, शराबबंदी होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है इसको ज़रूर समझना चाहिए। और इससे पुलिस का जो व्यवहार है संदेहात्मक है, वो लोग इसमें पैसा ले करके बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को नाम गिनाने के लिए कि मामला हमने तय किया है, दर्ज कर देते हैं, और जिससे कि हमारे गरीब
गरीबों के खास करके एक भूमि विवाद और दूसरा ये शराबबंदी, दोनों बलि का बकरा कहीं ना कहीं सरकार बना रही है। देखिए भूमि विवाद अलग बात है, भूमि विवाद पर भी हमारी टिप्पणी है या हम कहते हैं कि भूमि विवाद पर भी बिहार सरकार जो संज्ञान लेना चाहिए वैसा संज्ञान नहीं हो रहा है। अब उत्तरी बिहार हो या गया का हो या चंपारण का मामला हो, वहाँ पर भूदान की ज़मीन है, सीलिंग की ज़मीन है, या सरकार ने जो पर्चा दिया है वो पर्चा करीब करीब 70-80% है, उस पर कब्जा उनका नहीं है। और जिसके कारण आए दिन उन लोगों को भी झगड़ा हो जाती है, उनका बना हुआ घर है, 20 वर्ष से रह रहे हैं लेकिन उनको उजाड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बात हमने असेंबली में भी कहने का काम किया है और सब जगहों में कहते हैं, लेकिन ये उस तरह की बात नहीं, चूँकि ये बहुत पहले से बातें चल रही है। लेकिन तात्कालिक बात अभी हमारे सामने शराब वाला मामला है, शराब में बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है और सरकार का इसमें काफ़ी मैंने खिंचाई भी हो रही है। इस चीज़ को नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए। क्या लगता है सर, नीतीश जी नहीं मानेंगे तो क्या अगली कदम क्या होगी जनता की? वो हेतु मद्भुत की बातें नहीं कही जाती है। राजनीति में जैसा समय आएगा, हम नीतीश जी के साथ हैं, उनके समर्थन में हम हैं, हर हाल में उनको हम साथ देंगे, लेकिन उचित बात जरूर बोलेंगे, यही कारण है। और आगे क्या होगा, हम लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार जी लोगों को बुला करके बालमिल बैठ करके बात करके कोई ना कोई निर्णय लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। ये आपके हम पार्टी के कई लोग जिला अध्यक्ष अन्य लोगों ने इस्तीफा दिया है, क्या है दर्ज किया है, दर्ज कर देते हैं, और जिससे कि हमारे गरीब लोग परेशान हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी से हम लोग अनुरोध किया है और करते हैं और करेंगे भी, अगर मुलाकात होती है इधर तो, कि आप शराब का जो नीति आपका 2016 का है उसको आप समीक्षा कीजिए। चूँकि से कहीं ना कहीं तनाशाह कानूनी मामला है, इस चीज़ को आपके माध्यम से कहने की जरूरत नहीं है, होते रहता है। हम लोगों का नेशनल एग्जीक्यूटिव में, नेशनल काउंसिल में डिसीजन हो गया था कि हम लोग केंद्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, जिला स्तर का पुनर्गठन करेंगे, उस सिलसिले में कार्रवाई चल रही है। इसलिए अंदरूनी मामला है, इसमें कुछ कहने की जरूरत